राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बीजेपी की जिन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ करने जयपुर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभा में भीड़ नहीं जुटाने से नाराज होकर दिल्ली लौट गए। लेकिन आपको बता दें कि नड्डा अकेले दिल्ली नहीं लौटे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नड्डा के साथ विशेष विमान में सवार होकर दिल्ली पहुंची हैं। हालांकि वसुंधरा राजे दिल्ली से हरिद्वार गई हैं। जयपुर में जन आक्रोश यात्रा की असफल रैली के बाद नड्डा की नाराजगी के बावजूद वसुंधरा राजे का उनके साथ दिल्ली आना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नड्डा विशेष विमान से अकेले जयपुर गए थे, लेकिन जयपुर से दिल्ली आते वक्त वसुंधरा राजे उनके साथ थी। अब इस दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन इससे राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, जन आक्रोश यात्रा की सभा के दौरान जेपी नड्डा की मौजूदगी में वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा था कि पब्लिक में आइए, पोस्टरों में नहीं। वसुंधरा राजे के इस बयान की खूब चर्चा भी हुई, क्योंकि उनका निशाना सीएम गहलोत के साथ साथ सतीश पुनिया पर भी था। ऐसे में बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के मौके पर पार्टी के अंदर की गुटबाजी एक बार फिर सामने आ गई है। भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन वास्तविक रूप से पार्टी के नेता एकजुट नहीं है। नेताओं के दिलों में खटास बरकरार है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के मंच पर तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन मंच के सामने उन तमाम नेताओं के समर्थक गायब थे। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी बीजेपी नेताओं के बीच विवाद है। पार्टी साफ कर चुकी है कि विधानसभा का चुनाव कमल के निशान और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा के जयपुर कार्यक्रम के असफल होने की एक बड़ी वजह ये भी है। ऐसे में नड्डा की मौजूदगी में चेहरे दिखाने की रस्म अदायगी में बीजेपी के नेता तो मौजूद रहे, लेकिन अपने अपने समर्थकों को उन्होंने कार्यक्रम से दूर रखा। यही वजह थी कि इस कार्यक्रम में पार्टी भीड़ नहीं जुटा पाई और जेपी नड्डा को नाराज होकर दिल्ली लौटना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी उस वक्त खुलकर सामने आई जब प्रदेश के सबसे बड़े आंदोलन और रथ यात्रा के लिए तैयार की गई दिग्गज नेताओं की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है। ये दूसरा मौका है जब वसुंधरा राजे प्रदेश बीजेपी के किसी इवेंट से बाहर है। इससे पहले सरदार शहर सीट पर जारी हुई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल नहीं था। ऐसे में वसुंधरा राजे का जेपी नड्डा के साथ विशेष विमान से दिल्ली आना कई सवाल खड़े करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।